नमस्कार पशुपालक भाइयों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रियंका दिनू डेयरी फार्म में। तो दोस्तों, आज हम आए गुजरात के अंदर भेसाणा के पास में, एक छोटा सा फार्म बना हुआ है भैया का, श्रीदि फार्म है ना, श्रीदि फार्म के नाम से इनके फार्म का नाम रखा हुआ है, श्रीदि डेयरी फार्म। तो भैया अपना पूरा एड्रेस बता दीजिए और आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम भूपेंद्र भेसाणिया है, गाँव भेसाणा, तालुका भेसाण, जिलो जूनागढ़। अच्छा, जूनागढ़ जिला आता है आपका, है ना। तो भैया के पास में अभी जैसे कि 25 भैंस है, आप देख रहे हो इस प्रकार सारी नस्ल में घापराबादी नस्ल की है, जिनका दूध एकदम शुद्ध रहता है और इनकी फैट अच्छी आती है। तो उसके लिए मतलब ये दूध सारा डेयरी में नहीं डालते हैं और अपने खुद के मतलब घर पे ही इसका मतलब अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं। तो उसके बारे में जानते हैं कि क्या बनाते हैं, तो भैया उसके बारे में आप बता दीजिए। मैं घर पे पेंडा बनाता हूँ, रबड़ी बनाता हूँ, और मलाई में ऐसे घी निकाल कर बढ़िया सा घी बनाता हूँ, देसी घी। देसी घी और मलाई और पेंडे वगैरह, ये सारी चीज जो दूध से बनने वाले प्रोडक्ट आते हैं वो सारे भैया इनके घर पे बनाते हैं। तो यहाँ से सभी भैंसों का दूध निकाल के अपने घर पे लेके जाते हैं। वहाँ पे किस प्रकार से सेटअप वगैरह बनाया होगा तो वो आपको दिखाएंगे। अभी आप देख रहे हो सभी अच्छे अच्छे पशु है इनके पास में और मिल्किंग एकदम साफ सफाई से की जाती है, कोई मतलब ऐसी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एकदम शुद्ध तरीके से मिल्किंग होती है और बाद में कैसे क्या घर पे घी बनाते हैं वो प्रक्रिया भी आपको दिखाएंगे कि हाथ से बनाते हैं या मशीन से। तो चलिए इनके घर पे चलते हैं, वो सारी प्रोसेस दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये सारा दूध है, जो दूध को इस प्रकार रखा हुआ है। तो एक बार इसके बारे में डिटेल भैया बता दीजिए, ये गर्म किया हुआ है कैसे? गर्म किया हुआ दूध है, जमा नहीं डाल दिया है उसमें, हाँ उसमें जमाने के लिए डाल दिया है। बाद में वो मलाई निकलेगी, मलाई बाद में वो माखन बनाने के लिए चली जाएगी। अच्छा, तो वो बिलोते निकालते हैं इसमें मलाई, ये सारा मलाई में से माखन निकलता है, माखन में से घी बनाते हैं हम। घी बनाने की ये प्रोसेस है। और इसके अलावा आप बोल रहे हैं जैसे कि पेड़ा वगैरह, वो दूध में से पेंडा ही बनाते हैं, ये टाइप का पेंडा होता है, ये पेंडा बनाते हैं दूध से, मावे टाइप का होगा ना, इस प्रकार का रहता है ये। खाने में टेस्ट के बाद है, टेस्ट कैसा है? टेस्ट में बहुत अच्छा है, एकदम जैसे मैं वही मान लो आप आइटम सेम वही है। तो दोस्तों उसका बहुत अच्छा टेस्ट था। और ये है एक, तो इसको क्या बोलते हो आप? थापड़ी पेंडे। अच्छा, थापड़ी पेंडे जो गुजरात में काफी अच्छा फेमस है और सभी लोग खाते हैं इनको और बहुत अच्छे शुद्ध तरीके से बनाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो कितना एकदम यहाँ पे रखने की साफ सफाई देख सकते हो, यहाँ पे ऐसा कचरा वगैरह कुछ नहीं, एकदम साफ सफाई पे दूध को यहाँ पे गर्म किया जाता है और गर्म करके यहाँ पे रखा हुआ है सभी को। ये अभी जमा दिया है, यानी कि दूध में दही डाल दिया है, ये जम गया है या नहीं जमा? नहीं जमा है ना, पूरा बाकी है। अच्छा, पूरा बाकी है, मतलब पूरा नहीं जमा है। तो किस प्रकार से पिलोते हैं और छाछ और वहाँ से घी निकालते हैं वो आपको दिखाते हैं। ये देखो, तो ये मशीन से मतलब दही से घी निकाला जा रहा है, अभी पिलाया जा रहा है ताकि मक्खन बन जाएगा। ये इसमें छाछ भी होगी? अच्छा, इसके अंदर छाछ भी है ना, ये देख लो ऊपर ये मक्खन है। इस प्रकार ये मक्खन निकालते हैं ये मशीन से, और इसके अंदर ये घी है ना निकला हुआ, ये तो इसको तैयार किया होगा मतलब अच्छे से गर्म करके, ऐसा कणीदार है घी, इस प्रकार होता है। भैंस का है, चापराबादी नस्ल का घी ये देख लो। तो भैया ये कैसे क्या सेल करते हो आप, कितने रुपए किलो के अनुसार? 900 रुपए किलो। अच्छा, 900 रुपए किलो के हिसाब से सेल करते हैं ना, एकदम शुद्ध तरीके से बनाया हुआ है देसी घी है। हाथ से निकालते हैं इसको बाद में, अंदर रहता है ये ना, मक्खन मक्खन निकाल लेंगे। मक्खन बन गया है, कितने मिनट लगते हैं इसको बनने में? 15-20 मिनट बन गया है ना, 15-20 मिनट में तैयार हो गया, पूरा बंद गया है मक्खन मक्खन, और छाछ नीचे रह जाएगी। साफ सफाई आप देख रहे हो, जहाँ पे बन रहा है वहाँ पे एकदम कितनी अच्छी साफ सफाई है, शुद्ध है एकदम घी है सारा। इधर आप देख सकते हो सभी में है, ये गर्म किया हुआ है
ये पहले कच्चा है मकान और ये बाद में गर्म किया हुआ, इस प्रकार ये रखा हुआ है। तो कितने कितने के जी की पैकिंग आप सेल करते हो भैया? एक किलो, दो किलो, पाँच किलो, पाँच किलो तक करते हो? इस प्रकार पैकिंग की जाती है। ये आपके आसपास के एरिया में लेते हो या मतलब सब जगह पे भी सेल करते हो? सब जगह पे सेल। ऑनलाइन भी होती है सेल? ऑनलाइन नहीं होती है, कुरियर में निकाल देंगे। सब कुरियर में हो जाएगा ना? 900 रुपए किलो के अनुसार है। किसी भी भाई को चाहिए तो आप भैया के कॉन्टेक्ट नंबर स्क्रीन पे डाल देंगे, तो आप उनसे कॉन्टेक्ट करें। इस प्रकार से देखो बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे की बनाते हैं। तो अभी यहाँ पे आपकी शॉप होगी या कैसा नाम है? शॉप नहीं है, घर पे ही बनता है। अच्छा, घर पे बनता है, जो ऑर्डर होते हैं वहाँ पे सब ले होता है? हाँ जी, सब घर पे ही काम करते हैं, सारा घर पे होता है। घर पे बना के बाद में जो बोलते हैं कि हमें चाहिए उस हिसाब से जिनकी डिमांड रहती है वहाँ पे सप्लाई हो जाता है।